हेलो बच्चों, स्केलेटन क्यूब ऑफ कैपेसिटर है ना, उसमें हम आज थर्ड केस पढ़ने वाले हैं। थर्ड केस यानी कैपेसिटर है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस एनी साइड। चलो सबसे पहले हम लोग अपना स्केलेटन क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, स्केलेटन क्यूब में टोटल कितने कैपेसिटर्स लगेंगे? 12 कैपेसिटर्स इच, हर एक में जो है हर एक साइड में एक एक कैपेसिटर आएंगे। ठीक है, यानी टोटल कैपेसिटर्स हो जाएंगे 12। हमने सभी कैपेसिटर्स कैसे लिए हैं? इक्विवेलेंट लिए हैं, यानी इक्वल लिए हैं, तो 12 कैपेसिटर्स हो गए। अब ये अगर मान लो 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, इसको 3, इसको 4, इसको बोल सकता हूं 5, 6, 7 एंड 8। कितने कॉर्नर्स हो गए? 8 कॉर्नर्स हो गए टोटल। ठीक है, अपने को निकालना है अक्रॉस एनी साइड, तो कोई भी एक साइड पकड़ लो, जैसे कि ये साइड, तो ये साइड तो कौन से पॉइंट्स हो गए बच्चों? 1 और 4। तो हमें निकालना है सी अक्रॉस 1 एंड 4 क्या होगा। ठीक है, तो किसी साइड के अक्रॉस अगर अपने को निकालना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। यूज कैसे करेंगे बच्चों, यूज कैसे करेंगे आप समझिए। तो आप देखो, हमको 1 और 4 के बीच में निकालना है, तो 1 और 4 है ना, ये हमने ले लिया। अब देखो बच्चों, अगर मुझे इधर देखो, यहां से एक कैपेसिटर मैंने जोड़ दिया किसके साथ? 2 के साथ, और एक कैपेसिटर मैंने जोड़ दिया है ना 5 के साथ, तो ऐसा हो गया इसका और इसका काम हो गया। सिमिलरली 4 से देखो, 4 से है ना क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा 3 से, और 1 हो जाएगा किससे बच्चों? 5 से। ठीक है, सॉरी 3 एंड 8 ना, 8 से। ठीक है, 4 से 3 4 से 8, आपको समझ में आ रहा है चीजें? अब देखो बच्चों, अब क्या हो रहा है, 5 से 6। ठीक है, 5 से 6 और 2 से 6 है ना, एक जा रहा है 2 से 6 और है 2 से 6 ये वाला। ठीक है, 2 से 6 और एक जा रहा है बच्चों 5 से 6, तो 5 से 6। ठीक है, इस तरीके से हो रहा है, अंडरस्टूड? सिमिलरली इस तरफ देखो, इस तरफ 3 से 7। ठीक है, तो 3 से 7 और एक हो रहा है बच्चों 8 से 7, तो 8 से 7 है ना, यूं हो रहा है, अंडरस्टूड? ऐसा कुछ। अब अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर मान लो मैं 1 से 2 को जाता हूं, ठीक है बच्चों, 1 से 2 को जाता हूं या 1 से 5 को जाता हूं, तो यहां पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? एक कैपेसिटर पार करना पड़ेगा इक्वल कैपेसिटेंस का। इधर भी जाऊंगा तो क्या होगा? एक कैपेसिटेंस पार करना पड़ेगा इक्वल कैपेसिटेंस का। तो अगर मान लो यहां का वोल्टेज V है, तो यहां पर कितना ड्रॉप हो जाएगा बच्चों? देखो ये ब्रांच भी सेम दिख रहे हैं, तो करंट सॉरी चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, तो इसमें भी V-Q/C, इसमें भी क्या हो जाएगा? V-Q/C है ना, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V-Q/C, V-Q/C, तो ये दोनों क्या दिख रहे हैं बच्चों अपने को? सेम पोटेंशियल पर दिख रहे हैं।
ठीक है, ये दोनों अपने को सेम पोटेंशियल पे दिख रहे हैं। सिमिलरली यहां भी देखो, यहां से यहां जाने के लिए एक कैपेसिटेंस, इधर से भी इधर जाने में आपको एक ही कैपेसिटेंस पार करना पड़ रहा है, मतलब यहां पर मेरा ये क्या होगा, सेम होगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो 2 और 5 है और ये जो 8 और 3 है, ये क्या हो जाता है, सेम पोटेंशियल पर हो जाता है। जब सेम पोटेंशियल पर होता है बच्चों, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सिंगल पॉइंट से दिखा सकते हैं। आ रही बात समझ में, तो हम इसको सिंगल पॉइंट से दिखा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंगल पॉइंट, अंडरस्टूड, क्लियर है, ये आपको इस तरीके से जुड़ गया। सिमिलरली इधर भी क्या होगा बच्चों, इधर भी 3 और 8 क्या है, सेम पोटेंशियल पर है ना, 3 और 8 सेम पोटेंशियल पर है, तो इसको भी क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, है ना, ये हो गया पॉइंट 3 और 8। ठीक है, और इधर क्या है बच्चों, 6 और ये है 7, तो चलो 6 और 7 के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, देखो 6 और 7 के बीच में भी एक कैपेसिटर है, तो इसको हमने जोड़ लिया। सिमिलरली 1 और 4 के बीच में भी एक कैपेसिटर है, 1 और 4 के बीच में जोड़ लिया इसको। ठीक है, 6 7 के बीच में हो गया ये, है ना, बाकी तो हो ही गए थे, 3 और 4 वाला ये हो गया, 4 और 8 वाला ये हो गया। ठीक है, 4 और 8 वाला, 3 और 7 वाला ये हो गया, 8 और 7 वाला ये हो गया, इसकी बात हो गई थी। अब देखो और क्या क्या बचा हुआ है बच्चों, 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3, हाँ 2 यहां है बच्चों और 3 कहां है, यहां है। ठीक है, ये 2 और 5 सेम पॉइंट है, 2 और 5, तो अपने को जोड़ना है, देखो ये वाला 2 और 3 के बीच में है ना, दिस 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में एक जोड़ लिया बच्चों, है ना, ये वाला हो गया। और क्या, 5 और 8 के बीच में ये वाला, तो 5 कहां है ये और 8 कहां है यहां, तो इसके बीच में एक और आएगा, तो ये हो गया बच्चों, इसका भी काम हो गया। तो देखो ऑल 12 कैपेसिटर्स है ना, हमने इसमें दिखा दिया कौन कहां है, देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11 और 12, टोटल 12 कैपेसिटर्स इस तरीके से अरेंज्ड है, है ना, जो यहां नहीं समझ में आ रहा था वो यहां हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि कौन सीरीज कौन पैरेलल क्या है वगैरह वगैरह। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। सी, अब हमें समझ में आ रहा है कि ये दोनों क्या है भाई, पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में और ये दोनों पैरेलल में, तो इसका ये 1 हो गया बच्चों, ये 4, इसके बीच में ये वाला एज इट इज है, इसके बदले क्या लिख सकता हूं बच्चों मैं, 2C। ठीक है, 2C, फिर इधर भी क्या लिख सकता हूं मैं, 2C, इधर क्या लिख सकता हूं मैं, C, फिर इधर क्या लिख सकता हूं मैं, 2C, इधर हो गया 2C, और इधर भी क्या हो गया 2C, है ना, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है ये हो गया, अंडरस्टूड, ये है सी, हमको निकालना किसके बीच में, 1 और 4 के बीच में। चलो तो मैं इसको क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं, चलो अब क्या हो रहा है बच्चों, हमको दिख रहा है कि ये तीनों क्या हो गए, है ना, ये तीनों किसमें दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं, तो सीरीज का सॉल्व कर लो बच्चों, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2C, 1/2C प्लस 1/C, है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2C 1 प्लस 1, है ना बच्चों, प्लस 2, कितना हो गया 4/2C, यानी 2/C, देयरफॉर सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C/2, ऐसा हो गया। इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, 2C और 2C का क्या हो जाएगा C, और C का क्या हो जाएगा C/2, तो इसके बदले हम क्या लगा सकते हैं बच्चों, C/2, तो इसको है ना, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 और 4 के बीच में C, 2C, 2C, 2C एंड ये हो गया हमारा बच्चों C/2। ठीक है, C/2, अब हमें समझ में आ रहा है कि बच्चों ये और ये क्या है, पैरेलल है, तो ये और ये पैरेलल है, तो इसकी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, इसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा ये वाला सी एज इट इज है 1 और 4 के बीच में, ये हो गया बच्चों 2C, और ये दोनों क्या हो गया बच्चों, ऐड हो जाएगा 2C प्लस C/2, क्या हो जाएगा 5C/2, तो दिस इज
5c by 2 and this is 2c, ठीक है बच्चों। तो अब दिख रहा है कि ये तीनों क्या होंगे, सीरीज में होंगे, है ना, ये तीनों सीरीज में होंगे। तो ये तीनों में से 2c और 2c का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, और c और 5c by 2 का सिंप्लीफाई कर लोगे या तो आप लॉन्ग मेथड से कर लो, है ना। इन तीनों का क्या हो जाएगा बच्चों, नहीं समझ में आ रहा है तो 1 by c equivalent equal to 1 by 2c plus 1 by 5c by 2, तो 2 पर चला जाएगा प्लस 1 by 2c, क्या ये हो जाएगा बच्चों 10c 5 2 प्लस 5, ठीक है, सॉरी ये 4 हो जाएगा क्या, 5 2 4 4 हो गया बच्चों, है ना, और ये 2c है ना 5 हो गया, तो 5 5 10 4 14 14 बटा 10 c बोले तो 7 बटा 5 c, therefore c equivalent equals to 5 c by 7, ठीक है। तो ये जो तीनों है इसके बदले क्या लगा सकता हूं मैं, 5 c by 7, ठीक है बच्चों, 5 c by 7, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा सर्किट, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये c 1 और 4 के बीच में, और इधर हो गया आपका 5c by 7, 5c by 7, ठीक है बच्चों। अब ये और ये किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, पैरेलल में क्या होते हैं, ऐड होते हैं भाई सीधा, ठीक है, 1 और 4 के बीच में c plus 5c by 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 7 5 12 12 c by 7, ठीक है, 12 c by 7, ये हो गया आपका c equivalent, है ना, किस केस में, along the side, across the side, ठीक है बच्चों। तो across the side क्या होता है, 12c by 7, तो ये आपको simply आप याद भी रख सकते हो, solve करना चाहो, practice करना चाहो, practice करो, याद रख सकते हो तो याद रखो, मेरे हिसाब से तो याद रख लेना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तीन ही चीज होती है ना, तो आप याद रखोगे तो इतने झंझट से बच जाओगे। तो मैं एक बार आपको फिर से बोल देता हूं, across longest diagonal क्या आया था बच्चों, 6c by 5, across face diagonal क्या आया था बच्चों, 4c by 3, and across any side, ठीक है, क्या आता है, क्या आया, 12c by 7, ठीक है। ये तीन केस है बच्चों, है ना, आप चाहो इसको याद रख लो, आप चाहो इसको सॉल्व करो, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। तो ये समाप्त होता है स्केलेटन क्यूब की समस्या, ठीक है।